ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ लोग ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये हज कैंप है, हज कैंप का बैक गेट है। यहाँ पर देखो ये हज कैंप की टॉयलेट से जो हाजी साहब जाने का टॉयलेट तो भाई अलग है। ये कंडीशन हाजी साहब के लिए हज कैंप के टॉयलेट्स ये फैसिलिटीज देर प्रोवाइड करी इसका हज कमिटी वाले ऐसी क्या कमी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते सो आज यहाँ को अल्लाह की राह में अंदर लाइट आ नहीं उन भर को हाँ ऐसा करो तो हाजिर साहब क्या करना सर। यहाँ लाइट है लेकिन बाजू में लाइट नहीं है और यहाँ अगल भी नहीं है लाइट भी नहीं है वहाँ अंदर का लॉक भी नहीं है सर। एटलीस्ट एक बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करो तो मतलब कई सा चलाती हैं कम आती है कम से कम लाखों के आदमी आने वाले हैं सब बाहर के आदमी आते सो यहाँ बोले तो ये पाक सफाई की जगह और आदमी यहाँ से गए के बाद उम्रे की नियत और नियत सब कर ले को जाते सो इसी वजह से पाक सफाई बहुत जरूरी इतना मुश्किल से इतने आदमियों को ले लोग इतनी तकलीफ उठा को इतनी चीज़ों से अरेंजमेंट जो करती है उसमें यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ मेहरबानी से इसे पाक सफाई का एक इंतज़ाम कर दो। पानी की सहूलत पे और बाथरूम की सहूलत पे और हमामों की भी ज़रूरत पड़ती है कोई किसी को नापाकी हो जाती है तो पानी भी नहाना पड़ता है सब चीज़ों का ज़रूरी है क्या मेहरबानी से अच्छा पाक सफाई करे तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया।